नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमले के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले के आरोपी अनीस खान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आपको बता दें कि सावन मेले के दौरान महिला कांस्टेबल पर सरयू एक्सप्रेस में हमला हुआ था। यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में अपराधी अनीस खान को ढेर कर दिया है। इस घटना में पुलिस के सिपाहियों के घायल होने की भी सूचना है। थाना पुरा कलंदर के छतरीवा पारा केल मार्ग पर मुठभेड़ हुई। मामले का पूरा खुलासा एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश ने लखनऊ में किया है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमले की घटना का मुख्य आरोपी अयोध्या के पूरा कलंदर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। उसके 2 अन्य साथियों को भी मुठभेड़ के बाद इनायत नगर से गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अनीस खान पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया था, इसके बाद उसकी मौत हो गई है। वहीं उसके 2 साथी आजाद और विशंबर दयाल दुबे घायल हो गए हैं, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमला करने वाले इस आरोपी पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा था। यूपी एसटीएफ ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी और 3 मोबाइल नंबर जारी किए थे। गौरतलब है कि सौराव के भद्री गांव की रहने वाली हेड कांस्टेबल सुमित्रा पटेल पिछले महीने 30 अगस्त को फापामाऊ से सरयू एक्सप्रेस में सवार हुई थी। हेड कांस्टेबल अयोध्या के हनुमानगढ़ी में ड्यूटी करने के लिए जा रही थी, लेकिन इसी बीच ट्रेन में मनकापुर से अयोध्या के बीच रात में सीट पर बैठने को लेकर विवाद में उनके ऊपर हमला कर दिया। हमलावर महिला पुलिसकर्मी को अधमरी हालत में ट्रेन के नीचे छिपाकर भाग गए थे। जैसे ही ये मामला सामने आया, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। और अभी भी दोस्तों कांस्टेबल का इलाज चल रहा है, लेकिन मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मार दिया है। अब तक की सबसे बड़ी